वेलकम टू आवर चैनल प्रॉफिट कार्ट दोस्तों। जैसा कि आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ अपने न्यू सीरीज का दोस्तों, जिसमें मैं स्टॉक इन न्यूज़ की बात करता हूँ दोस्तों। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूँ, मैंने स्विंग ट्रेड के इसमें 15 से 20 स्टॉक डाले हैं दोस्तों। आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट सेक्शन में जो स्विंग ट्रेड का है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। 18 वीडियोज़ लगभग मैंने डाले हैं और उसमें से लगभग 17 वीडियोज़ ने अपने टारगेट को, 17 स्टॉक ने अपने टारगेट दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आप इससे ये जरूर कह सकते हैं कि अगर आप सही जगह बाई करते हैं दोस्तों, तो आपको एक बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकता है। ऐसे ऐसे स्टॉक है जो एक दिन में 10-10%, 9-9% नेक्स्ट डे दिया है, जैसे कि मतलब फिनोलेक्स हुआ, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों जो आज मैंने डाला। नेटवर्क 18 हुआ दोस्तों, आज मैंने डाला और कल होके 7%, 8%, 9-9% तक का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। सभी के टाइम फ्रेम में बताता हूँ, स्टॉप लॉस बताता हूँ, टारगेट बताता हूँ दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से इसमें पोजिशंस बना सकते हैं, अपना रिसर्च खुद भी कर सकते हैं दोस्तों। जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उसमें मेहनत बहुत लगता है दोस्तों। तो प्लीज, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप शेयर करो दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करो प्लीज, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूँ दोस्तों। क्योंकि एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो। आपके पास अगर कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक है दोस्तों और आपको उस बात का डर है या कोई तरह का क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में डालो दोस्तों, मैं उसका जवाब दूंगा दोस्तों। आप मेरे साथ इंटरेक्ट करो, लोगों को शेयर करो दोस्तों, ताकि ऐसा भी कोई चैनल है दोस्तों जिसमें आप सारे के सारे वीडियोस जो मैंने डाले हैं उसमें से 99% वीडियोस ने इतने अच्छे रिस्पॉन्ड दिए हैं दोस्तों, और सभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहा है दोस्तों। चलिए आज हम एक स्टॉक की न्यूज में एक नए स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल देखने से पहले जो न्यूज है उस पर बात करते हैं दोस्तों। आप न्यूज देखिए दोस्तों, रिलायंस का अभी एक सऊदी एरमेको से एक तरह का आपको पिछले 2019 में ही एक जनरल मीटिंग में डील चला था कि 20% जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो पेट्रोलियम सेक्टर के जो स्टेक है, ऑयल टू केमिकल सेक्शन के जो स्टेक है, उसमें से 20% एरमेको अपने अंदर लेगा, उसको सेल कर रही थी रिलायंस इंडस्ट्री। ये चीज बातें 2019 में ही हुआ था दोस्तों, कि 2019 में ही एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट था दोस्तों, कि एक बाहर की कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्ट कर रही थी भी रिलायंस इंडस्ट्री में दोस्तों। ये एक बहुत ही अच्छा और रिलायंस के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज था, क्योंकि अभी रिलायंस का जो पेट्रोलियम सेक्टर जो है, अभी पेट्रोलियम सेक्टर का जो फ्यूचर है वो बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल है दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हैं जो फ्यूल्स है उसको आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी, आज टेस्ला कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करती है, तो फ्यूल्स को अब रिप्लेस करने की बात हो रही है, फ्यूल्स को खत्म करने की बात हो रही है। तो उस केस में एक लॉन्ग रन में ये बहुत अच्छा मतलब सेक्टर नहीं होने वाला है जो पेट्रोलियम सेक्टर है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल बात है, लेकिन उस क्वेश्चनेबल बात में दोस्तों 20% स्टेक को कोई एक्वायर करने का सोच रही थी कंपनी, जिस कंपनी का सऊदी एरमेको नाम है दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है सऊदी अरबिया की दोस्तों। और इन्होंने आज विड्रॉ कर लिया है उस बात को। हालांकि इनका स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि हम लोग रीएवलुएट करेंगे, रीइवेलुएट करेंगे और फिर इसके बारे में डिसीजन लेंगे दोस्तों। इसका मैं पूरा क्रोनोलॉजी आपको बताता हूँ दोस्तों। अगस्त 2019 में ये मीटिंग हुई थी जिसमें ये बातें हुई थी कि हाँ, एरमेको रिलायंस इंडस्ट्री का 20% शेयर होल्ड करेगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज उसको 20% अपने स्टेक को सेल करने वाली थी दोस्तों। मगर उसके बाद 2020 मार्च तक ये डील फाइनलाइज हो जाता और ये सेल्स का काम हो जाता दोस्तों। बट कोविड आ गया और कोविड आने के बाद ये चीज रुक गया दोस्तों। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था दोस्तों, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये रियली में बहुत बड़ा झटका है रिलायंस के लिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट रुक गया है दोस्तों। और ये एक बहुत बड़ा झटका है रिलायंस के लिए, क्योंकि आपको इस वजह से उसके उस वक्त रिलायंस के जो शेयर्स थे उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था दोस्तों उस वक्त, और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया था। सिर्फ इस डील की वजह से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन आया था, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर आपका कोई कंपनी निगेटिव में चल रही है और उसको कोई अच्छे दाम में एक्वायर करने के लिए तैयार हो, तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और कंपनी ये तो बहुत सही बात है, मगर मार्च 2020 में देखिए, जैसा कि ये था कि मार्च 2020 में ये अनाउंस हुआ था कि ये डील को कंप्लीट कर दिया जाएगा, मगर उसके बाद ये डील को कंप्लीट नहीं किया गया। और अभी एरमेको ने डील के लिए एक बात बोली है कि वो रीएवेलुएट करेंगे इस बारे में कि क्या करना है। मतलब ये एक तौर पे डील खत्म ही होते हुए दिख रही है, मतलब खत्म हो ही गई है समझ लो दोस्तों। और ये एक अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि ये रिलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि रिलायंस ने उसके बाद अपने स्टेटमेंट में बोला है कि हम लोग जो भी एरमेको के साथ जो रिटेल सेक्टर में काम चल रहा था जो साथ में,
वो हम लोग करेंगे और वो चलता रहेगा, उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मगर ये तो ऑब्वियस बात है कि इस कारण रिलायंस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों आइए इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं कि क्या इसके फाइनेंशियल्स है, क्या स्थिति है इसके फाइनेंशियल्स के, रिलायंस इंडस्ट्रीज के। दोस्तों अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स की बात किया जाए दोस्तों, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बहुत बड़ा है, 1,55,8,899 करोड़ रुपीज की कंपनी है दोस्तों। बहुत बड़ी कंपनी है, मीन्स वन ऑफ द ह्यूज ह्यूज कंपनी जिसको बोला जाता है वो है दोस्तों। इसमें तो कहीं से शक नहीं है। स्टॉक पी की बात किया जाए 30.3, दोस्तों कोई इशू नहीं है, ये स्टॉक पी नॉर्मल है। बट जब आप आरओई की बात करते हैं जिसका नाम है रिटर्न इन इक्विटी दोस्तों, तो ये क्वेश्चनेबल बात होती है कि इतना कम रिटर्न इन इक्विटी, 8% कम है दोस्तों। हालांकि लार्ज कैप है, बहुत बड़ा लार्ज कैप है, एक मतलब बहुत बड़ा लार्ज कैप है, मगर फिर भी एक सवाल उठता है कि 8% इज नॉट सो गुड। 10-12 लार्ज कैप के लिए 12-14, 12-10-12 इज गुड। 2% कहीं ना कहीं ये कम है दोस्तों, और पहले ये था 10 के आसपास था। अगर 5 years में आप इसके रिटर्न की बात किया जाए तो ये था। उसके साथ साथ अगर आपके इस बात करते हैं इसमें और भी पीर कंपैरिजन की, हालांकि इसमें आप पीर कंपैरिजन करना इसका बेवकूफ़ी सा है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर और भी रिटेल सेक्टर, बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं। तो अभी इनका शेयर बाजार में सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ही लिस्टेड है, ऐसे इस जितने सारे इसके अंदर बिजनेसेस आते हैं उसमें ये है, और ये तो कंपेयर करना कोई खास बड़ी बात नहीं। लेकिन दोस्तों आप जब सेल्स की बात किया जाए तो दोस्तों देखिए, सेल्स बहुत तेज़ी से, मतलब 2019 में क्वार्टर में जो सेल्स था, जैसे आप कंपेयर करते हैं इसमें, आप देख सकते हैं कि सेप्टेम्बर 2021 में जो सेल्स था और उस कंपैरिजन में सितंबर 2020 में जो सेल्स था, मतलब सेल्स में एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला है। आप पहले से भी देख सकते हो, ये यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है कि यहाँ पे आपको 1,49,302 रुपीज का सेल हुआ है और करोड़ रुपीज का, और यहाँ पे 1,67,611 रुपीज है, थोड़ा सा बढ़ोतरी दिखा है। बट सेल्स में एक कंटिन्यूस एक तरह का फॉल डाउन आया, कोविड की वजह से भी बहुत इंपैक्ट पड़ा दोस्तों। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बात किया जाए दोस्तों, तो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं सितंबर 2021 में जो प्रॉफिट था दोस्तों, और सितंबर 2020 में जो प्रॉफिट था, और उसके साथ साथ आप इसका कंपेयर सितंबर 2019 के प्रॉफिट से भी कर सकते हैं दोस्तों, हल्का इंक्रीज किया है। मगर ये सब थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है दोस्तों, इसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, मगर कंपनी तो बहुत बड़ी है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस में हमको इसका कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ये पिक्चर क्लियर होता हुआ दिखेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें, अगर आप देखते हैं तो जो कंपनी का 2010 में जो कंपनी थी 24,503 करोड़ रुपीज कमा रही थी, वो कंपनी आज के डेट में 52,281, एज एक्सपेक्टेड है कि हाँ इस 2021 मार्च तक इसकी इनकम होगी दोस्तों। तो ये एक चीज़ है, ये एक सवाल है कि यहाँ से अपने आप को डबल की है दोस्तों, ये डबल डिजिट पे आई है। मगर जो क्वेश्चन यही उठ रहा है कि पिछले 2-3 साल से एक बहुत बड़ा स्लोडाउन आ गया था, 18, 19, 20 एक स्लोडाउन आ गया था, 36,000, 39,000, 39,000 2021 में ये एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है दोस्तों, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्लोडाउन था दोस्तों। इससे पहले भी एक दो सारी बहुत मतलब एकदम कंपनी कंसिस्टेंट सेम प्रॉफिट कर रही है, 29,000 करोड़। तो ये एक थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है कि हाँ कंपनी का जो एक होता है ना कि थोड़ा सा स्लो डाउन टाइप आना, वो एक चीज़ देखने को मिला है। अगर बोरोइंग्स की बात किया जाए दोस्तों, तो ये एक क्वेश्चन है, हालांकि रिजर्व्स के तुलना में बोरोइंग्स कम है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं दोस्तों कि बोरोइंग्स जो है वो भी कोई कम नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स है। हालांकि कंपनी ने अपने बोरोइंग्स को पिछले कुछ क्वार्टर से कम किए हैं दोस्तों, मगर इसमें भी कंपनी ने बहुत चीज़ बेचा है दोस्तों, फेसबुक से बहुत चीज़ बेचा है, बहुत चीज़ कंपनी ने बेचा है, बहुत सारे एसेट्स को कंपनी ने बेचा है। तो ये भी एक बात है, बोरोइंग्स कम करने के लिए बहुत कुछ बेचा भी गया है कंपनी में, मगर हाँ फिर भी बोरोइंग्स कम हुए हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई ख़राब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर कोई ख़राब है, मैं इसके बारे में भी आपको अपना विचार दूंगा दोस्तों, पहले इसको देखते हैं दोस्तों। अगर बात किया जाए इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी एक तरह का मतलब कंसिस्टेंट नहीं दिखा है, थोड़ा सा अप्स डाउन्स देखने को मिला है। मार्च 2015 में देख लीजिए या मार्च 2016 में देख लीजिए, तो मतलब एक तरह का एकदम से राइज किया, फिर 2019 में मार्च में ये कमते हुए दिखा, तो ये एक थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल बात है दोस्तों। प्रमोटर्स की बात किया तो ऑब्वियस बात है कि प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग्स को बढ़ाए हैं 2019 में,
और उसको कंसिस्टेंट रखा है प्रमोटर ने हमेशा से। FII इसका फेवरेट रहा है दोस्तों, DII भी हमेशा से रही है दोस्तों, पब्लिक के पास हमेशा अराउंड 10-15% हुआ है और अभी तो और कम गया है, 10% के आसपास है दोस्तों। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि फाइनेंशियल अच्छे नहीं, बहुत बड़ी जायंट कंपनी है दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है, उस हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स होंगे ही क्योंकि कंपनी में इतनी सारी बिजनेसेस है, बहुत सारे मतलब बहुत बड़ी एक कंपनी है तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारे बिजनेस। लेकिन अभी जो इसका एक ये जो न्यूज का जो इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों, उसका इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा मैं वो आपको बताऊंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखने पे आपको पता चलेगा दोस्तों कि इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों। आप देखिए, कंपनी ने लगभग 2020 में कंपनी जो एक राइज बनाई सितंबर में दोस्तों, और यहाँ पर जो ये रेसिस्टेंस खा के वापस आई दोस्तों, फिर वापस से इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किए दोस्तों और वापस आई है, यहाँ पे सपोर्ट लिए दोस्तों और फिर एक राइज वापस से बनाई है दोस्तों। अभी ये कंपनी काफी तेजी से शार्प समझ लीजिए, कंपनी अपने एक हाई बना के वहां से लो आई है दोस्तों। आप देख सकते हैं कंपनी का जो ये हाई है दोस्तों, उस हिसाब से जो लो बनाई है तो वो कंपनी का आप देख सकते हैं, लगभग कंपनी अभी 12-13% डाउन पे चल रही है दोस्तों। मैं उल्टा आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि इसको इस तरीके से देखेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कंपनी अभी 12% का एक डाउन बनाई है दोस्तों, और ये एक बहुत बहुत मतलब 10% 12% का डाउन है, तो ये एक मतलब इतना कम में अभी कंपनी 2750 तक का लगभग हाई बना के अभी यहाँ पे ये ट्रेड हो रही है दोस्तों। अगर इस सपोर्ट लेवल को जो 2450 है उस लेवल को अगर ये ब्रेक करती है, 2450 2450 अगर इसको ब्रेक करती है कंपनी, तो सबसे पहले कंपनी तो यहां तक आएगी एकदम से कंफर्म है, जिसको आप कह सकते हैं 2370 के आसपास, यहाँ के आसपास आएगी, मीन्स आराम से आप कह सकते हैं इसमें 2450 को अगर ब्रेक करती है तो 50+30 मीन 70 पॉइंट का एक फॉल आपको देखने को मिलेगा एकदम आराम से, और इसका बहुत बड़ा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि कंपनी में एक निगेटिव न्यूज आई है, तो एक शार्प फॉल आने का चांसेस इसमें बन सकता है दोस्तों। कि अगर कंपनी यहाँ पे अगर अपने आप को सपोर्ट लेके वापस से अप मूव नहीं दी या फिर यहाँ पर सपोर्ट को अपने सपोर्ट पे अपने आप को नहीं रोक पाई और यहाँ से अगर गिरती है, तो यहाँ तक का टारगेट तो आपको आराम से मिलेगा दोस्तों, एकदम ये फर्स्ट टारगेट आपको आराम से देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें आप सेल करके रख सकते हैं या फिर ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर मैं तो कहूँगा फ्यूचर सेल करके आप रख सकते हैं अगर इसको ब्रेक करता है दोस्तों, क्योंकि एक निगेटिव न्यूज है दोस्तों। इसको देखेंगे, वॉच करेंगे, ऐसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं कीजिए दोस्तों, पहले उसको इस तरीके से डायरेक्टली, जो लोग करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं दोस्तों, डायरेक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं कीजिए, रिस्की होता है दोस्तों, नए लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, जब तक आप इसके बारे में नहीं जानते हैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है दोस्तों इसको। उसके साथ साथ अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है कंपनी इस लेवल को, हालांकि कंपनी ऐसा नहीं है कि लॉन्ग रन में इसका अच्छा व्यू नहीं, लॉन्ग रन में कंपनी ऊपर जाएगी क्योंकि कंपनी के पास बहुत बिजनेस है, आप खुद जानते हैं मुकेश अंबानी को बहुत बहुत बिजनेस है और उनके बिजनेसेस की कोई बात ही नहीं मतलब। लेकिन फिलहाल जो इसके सिचुएशंस चल रहे हैं, अगर उसको ब्रेक करती है कंपनी तो आपको फर्स्ट ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है कंपनी में, मीन्स 2270 के आसपास का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ के इस पे अगर नहीं रुकी तो इस सपोर्ट को अगर तोड़ती है तो ये टारगेट देखने को मिल सकता है, और उस समय हम लोग यहाँ पे कहीं अगर आपको मिले उस समय 200 मूविंग एवरेज के आसपास अगर ये कंपनी मिलती है तो हम लोग एक बाइंग का भी पोजीशन बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बाइंग का भी पोजीशन बनाएंगे क्योंकि कंपनी लॉन्ग रन में कोई खराब नहीं है, कंपनी की सिर्फ पेट्रोलियम सेक्शन जो है क्योंकि उसका भविष्य नहीं है, वो थोड़ा लॉस में चल रही है, नहीं तो कंपनी ओवरऑल रिटेल बिजनेस में है, बहुत सारे बिजनेस में, और सारे बिजनेसेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है दोस्तों। तो इसमें इस तरीके से हम लोग पोजिशन बनाएंगे, आगे का देखते हैं जिस तरीके का, अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे में मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, और अगर इसमें अभी फिलहाल जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है दोस्तों, अगर सपोर्ट तोड़ती है तो हम लोग इंस्टेंट, अगर जो लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं दोस्तों, वो फ्यूचर या फ्यूचर में सेल करेंगे या ऑप्शन के पुट बाई कर सकते हैं दोस्तों, उनको एक दिन में एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी अभी न्यूज आई है, इस न्यूज का एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। हालांकि शेयर मार्केट में सबसे बड़ी बात है कि जो न्यूज आती है उससे पहले ही उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो हम लोग देख रहे हैं कि ये मिल रहा है दोस्तों,
ये जो एक फॉल आया है वो मतलब उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कह लीजिए या छो कहिए, लेकिन ये चीज है वो चार्ट पे पहले ही दिख जाती है दोस्तों। इसको समझने में आपको टाइम लग गया, शेयर मार्केट को टाइम देना पड़ता है दोस्तों बहुत ज्यादा। जब आप टाइम दोगे, जब आप चार्ट के साथ खेलोगे, जब उसको न्यूज के साथ कंपेयर करोगे दोस्तों, छोटी छोटी चीजें जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मगर फिर भी अभी जो न्यूज आई है उसका अगर इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों, कल मार्केट निगेटिव रहती है और इसको अगर ब्रेक करता है तो सेम डे हम लोगों को यहाँ तक का टारगेट दिखने को मिल सकता है दोस्तों। और आराम से जो लोग फिर से मैं बोलूं जो लोग करते हैं फ्यूचर सेल कर सकते हैं, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फिर अगर इसको ब्रोक करता है तो हम लोग यहां तक का टारगेट रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब यहाँ के आसपास 200 मूविंग एवरेज के आसपास वो मिलेगा तो धीरे धीरे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, ताकि कल हो के ये स्टॉक जब इसके ऊपर तक भी जाएगा दोस्तों तो उनको एक बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। आप देखिए दोस्तों, अगर स्टॉक यहाँ तक आती है और हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाते हैं तो आप देखिए कितना बड़ा मिनिमम टू मिनिमम हम लोगों को जो मिलेगा वो इतना तो मिलेगा ही, जिसको कहते हैं 20-25% तो आपको मिलना ही मिलना है। और उसके ऊपर का भी टारगेट 1 ईयर में मिलेगा आपको। 1 ईयर में आराम से इसमें 40% तक का भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है 1.5 ईयर में, क्योंकि स्टॉक कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी को हम लोग सभी जानते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ दोस्तों। आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, लोगों को फैला दो दोस्तों इस चैनल पे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।